Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1947. So topic pe aate hai khilafat and non-cooperation movement. Ab aapko pata hona chahiye khilafat movement kya tha? Khalifa, Turkish sultanon ko khalifa bola jata tha. ठीक है, सो भाई हम ओटोमन एम्पायर में अचानक से कैसे चले गए, हम तो इंडिया की बात कर रहे थे ना, लेकिन जो टर्किश सुल्तान से जो ओटोमन एम्पायर में राज करते थे वहां से थे. ठीक है, सो ब्रिटिश क्या उनके ईस्ट वाइल सैकर्ड प्लेस यानी कि उनके जो सैकर्ड प्लेस होते हैं, जो शुद्ध वाले प्लेस होते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं मक्का मदीना, उन सारी चीजों पे वो क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे. और जैसे ही खलीफा यानी जैसे टर्किश सुल्तानों ने बात सुनी कि इंडिया में भाई जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, तो वो हेल्प करने के लिए पहुंच गए. ठीक है, और आपको पता है खलीफा ये जो होते हैं टर्किश सुल्तान ऑब्वियसली ये इस्लाम कबूल करते हैं, मुस्लिम्स ही होते हैं एक तरीके से, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम थे, सो उनके बुलाने पे वो लोग हेल्प करने आ गए थे. सो आपको याद रखना है टर्किश सुल्तान कौन आए थे, मोहम्मद अली और शौकत अली आए थे. साथ ही साथ ऑल्सो ज्वाइंट मूवमेंट विद गांधी एज ब्रिटिश वॉन्टेड टू कंट्रोल ईस्ट वाइल सैकर्ड प्लेस. मैंने बता दिया कि उन्होंने हमारी मदद इसलिए की थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एक ऐसा दर्दनाक कांड हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, कौन नहीं जानता, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो गूंज थी वो पहुंच चुकी थी. साथ ही साथ जब उन्हें पता चला कि हमारे सारे मुस्लिम हिंदू भाई लड़ रहे हैं, तो टर्किश सुल्तान ये जो थे मोहम्मद अली शौकत अली ये हेल्प करने पहुंच गए थे. ठीक है, सो फ्रॉम 1920 to 22 आपको याद रखना कि 1920 से लेके 22 तक कॉटन ये जितना भी टेक्सटाइल चलता था ब्रिटिश का इंडिया में वो भी डिक्लाइन हो गया था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था ब्रिटिश को. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोगों के कपड़े अब इंडियंस ने पहनना बंद कर दिया था. सबसे बड़ी होली का आप कह सकते सबसे बड़ी जो होता है बॉयकॉट क्लोथ, बॉयकॉट ब्रिटिश क्लोथ की सबसे बड़ी एक बॉन फायर जला दिया गया था भाई महात्मा गांधी द्वारा. महात्मा गांधी जब अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब वो सबके सामने एकत्रित होके बात कर रहे थे, तब उन्होंने बोला कि अभी आप अपने कपड़े जाके जला दीजिए. सारे ब्रिटिश के कपड़े जलाए गए और उसके बाद ही खादी इंट्रोड्यूस करा कि खुद से कपड़े हम लोग काटेंगे सूतेंगे और फिर उसके बाद उसको पहनेंगे, तो खादी तब से इंट्रोड्यूस हुआ था. साथ ही साथ 1920 और 22 में पीपल लेड पब्लिक बॉनफायर, लेट स्कूल्स कॉलेजेस और सीआर दास यानी चित्रंजन दास, सी राजगोपालचारी और मोतीलाल नेहरू, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जो उस वक्त पे इमर्ज हुए थे महात्मा गांधी के साथ, भाई इनका बहुत ज्यादा योगदान था. ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है बच्चों ने स्कूल्स लेफ्ट कर दिए थे, कॉलेज लेफ्ट कर दिए थे, इवन इनकी जो पुस्तकें होती थी उसमें भी सारा ब्रिटिशर्स का, कौन सा गवर्नर जनरल है, कब आया है इनके, ब्रिटिश ने क्या किया क्या किया, इंडियंस का तो बिल्कुल नामो निशानी था. इंडियंस क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बातें पढ़ रहे हैं. यही फिर सारे के सारे बच्चों को बताया गया कि आप कॉलेजेस छोड़ देंगे और उसके बाद थोड़े इंडियन कॉलेजेस इंडियन इंस्टीट्यूशंस को भी अपना एक स्थान दिया गया था, अलग से बनाए गए थे. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइक कह सकते हैं होली का जैसे हम जलाते हैं ना, बड़ी सी होली का जलाते हैं होली के दिन पे, वैसे ही सारे कपड़ों को भाई जला दिया गया था. सो खिलाफत मूवमेंट आपको पता चल गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खलीफा और महात्मा गांधी ने मिलकर उसको खिलाफत मूवमेंट बोला और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहलाया गया. नॉन कोऑपरेशन क्या होता है, मतलब कि बिना हिंसा करे एक मूवमेंट करा गया. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.